दोस्तों आप देख रहे हैं सामने LG की टीवी है, ये LG की स्मार्ट टीवी है और आज इसकी जो है हम पूरी सेटिंग देखने वाले हैं। हम देखेंगे कि इसमें वाईफाई कैसे कनेक्ट करेंगे, इसका जो है स्क्रीन कास्ट कैसे होता है और इसके अलावा और जितनी सेटिंग्स होती हैं हम वन बाय वन एक एक करके इसकी सेटिंग देखेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए, ये इसका रिमोट है, यहाँ पर आप सबसे ऊपर देख रहे हैं ये सेटिंग की बटन है। तो हम यहाँ सेटिंग की बटन दबा करके सेटिंग में जाते हैं तो देखिए स्क्रीन पे किस तरह से इस तरह के से शो हो रहा है ये राइट साइड में। और सबसे पहले ऑप्शन पे अगर हम जा रहे हैं तो ये पिक्चर मोड आ रहा है। तो ये सब नॉर्मल सेटिंग है, आप पिक्चर को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए इस तरह से। उसके बाद जो इसका नेक्स्ट आता है वो आता है एस्पेक्ट रेशो। रेशो आप जो है 16:9 जो रेशो होता है वो बाई डिफ़ॉल्ट होता है, आप चाहे तो उसको चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। उसके बाद दोस्तों आता है इसमें साउंड का ऑप्शन आता है। साउंड में अगर आप चाहे तो अलग से अगर स्पीकर लगाना चाहते हैं तो वो सेटिंग आप यहाँ से एक्सटर्नल का कर सकते हैं। अभी क्योंकि यहाँ जैसे वायर्ड हेडफोन लगाना चाहते हैं तो इसको चूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज इंटरनल टीवी का जो स्पीकर है वही इसमें काम करता है, तो आप उस सेटिंग में छोड़ दें इसे। उसके बाद आता है स्लीप टाइम। स्लीप टाइम में क्या होता है, अगर आप इसे ऑन करेंगे तो जैसे 10 मिनट 20 मिनट 30 मिनट 1 घंटा आप ऐसे जब चाहे इसको छोड़ सकते हैं, तो उसमें क्या होगा ये ऑटोमेटिक जो है टीवी बंद हो जाएगी। उसके बाद जो है स्लीप टाइम के बाद ऑप्शन जो आता है उसका नेक्स्ट वो ये आता है लॉक का, सेफ्टी लॉक का आता है। इसमें आप चाहें तो लॉक कर लगा सकते हैं, जैसे ही आप इसको ऑन करेंगे तो यहाँ पे देखिए पासवर्ड मांगेगा, आप इसमें कोई भी पासवर्ड डाल दीजिए। जैसे पासवर्ड डालेंगे तो ये जो है सेफ्टी लॉक लग जाएगा, फिर पासवर्ड से ही ये टीवी चलेगी। उसके बाद दोस्तों आता है यहाँ ऑल सेटिंग। देखिए सबसे नीचे आप जाएंगे तो यहाँ पे ऑल सेटिंग हम चल रहे हैं, वहां पे भी आपको मैक्सिमम यही सेटिंग मिलेगी। ये देखिए मैक्सिमम आपको यहाँ पे वही सेटिंग मिलती है जैसे कि आपको पहले पिक्चर मिल रहा है, फिर साउंड मिल रहा है, फिर प्रोग्राम मिल रहा है। तो पिक्चर में अगर आप जैसे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए पिक्चर मोड मिलता है, एस्पेक्ट रेशो जो मैंने बाहर बताया वही चीजें यहाँ पे मैक्सिमम मिलेंगी आपको। फिर उसके बाद इसी में आता है साउंड का ऑप्शन जो मैंने आपको अभी बताया था, ये साउंड का ऑप्शन आता है। साउंड के अंदर क्या क्या होता है, साउंड जो है साउंड मोड सेटिंग होती है, एक्सटर्नल इंटरनल डिवाइस अगर आप साउंड का कनेक्ट करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। उसके बाद आता है प्रोग्राम। प्रोग्राम में दोस्तों देखो तीन चार चीज़ें होती हैं। प्रोग्राम ट्यूनिंग होती है, मतलब कि आप जो है अगर आप जो स्क्रीन है स्क्रीन की एक तरह से सेटिंग होती है, ट्यूनिंग कर सकते हैं इस पर जा करके। अभी मैंने क्योंकि ये नो सिग्नल इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मैंने जो सेट टॉप बॉक्स है वो बंद किया हुआ है, कॉपीराइट के चक्कर में मैंने टीवी बंद किया हुआ है, सिर्फ स्क्रीन दिखा रहा हूँ आपको। उसके बाद सबसे मेन आता है दोस्तों है नेटवर्क। ठीक, अब इस नेटवर्क में क्या होता है, सबसे पहले आपको वाईफाई कनेक्ट करना होता है। वाईफाई के साथ साथ आप चाहें तो स्क्रीन जो है स्क्रीन कास्ट का ऑप्शन भी मैं दिखाऊंगा, स्क्रीन कास्ट भी आप जो है फ़ोन से कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको वाईफाई कनेक्ट करके दिखा देता हूँ। एक एक चीज़ पहले बता दूँ मैं आपको, इसमें क्या है, ये आपका टीवी है, टीवी का नाम आप चाहें तो यहाँ अपना नाम बदल सकते हैं, दे सकते हैं। और नेटवर्क में टीवी का मैंने बता दिया, नाम चेंज कर सकते हैं। वायर कनेक्शन, इथरनेट केबल अगर आपका लगा हुआ है तो आप डायरेक्ट टीवी में वो वायर लगा करके उससे नेट चला सकते हैं। उसके बाद वाईफाई आता है, तो अभी हम उसको वाईफाई से कनेक्ट करने वाले हैं। वाईफाई पे अगर हम ओके करेंगे, देखिए वाईफाई और डायरेक्ट वाईफाई दोनों एक ही होता है, चाहे आप यहाँ से कनेक्ट कर लें चाहे यहाँ से कनेक्ट कर लें। तो वाईफाई में अगर हम जाते हैं तो देखिए यहाँ टीवी आपका सर्च करेगा आपका वाईफाई। अभी वाईफाई इसमें मैं एक कनेक्ट करने वाला हूँ, ये वाला, ठीक, इसको हम कनेक्ट कर देते हैं। तो मैंने पासवर्ड डाल दिया है, पासवर्ड डालने के बाद यहाँ कनेक्ट पे करेंगे और इसको कनेक्ट कर देंगे। देखिए इस तरह से ये कनेक्ट हो रहा है, तो ये वाईफाई हमारा कनेक्ट हो जाएगा, ये कनेक्ट हो गया हमारा वाईफाई। अब दोस्तों एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, इस रिमोट के अंदर मैं आपको दो तीन सेटिंग दिखाऊँगा। देखिए इस रिमोट के अंदर यहाँ डायरेक्ट कुछ बटन दी हुई हैं जैसे कि नेटफ्लिक्स, होम। तो देखिए अगर मैं होम पे जाता हूँ तो ये देखिए ये इस तरह के ऑप्शन इसमें मिलते हैं। अगर आपका वाईफाई कनेक्ट है तो आप इन चीज़ों को चला सकते हैं, नेट लाइव टीवी हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, हीरोज़ हो गया, ये चैनल हंगामा है, ये सारी चीज़ें आप जो है चला सकते हैं अगर आपका टीवी इंटरनेट से कनेक्ट है तो। तो ये कुछ बटन मैंने बताई जो कि डायरेक्ट है, नेटफ्लिक्स है, होम पे दबाने पे ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने
इंटरनेट कनेक्ट कर दिया है यहाँ पे। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बताने वाला हूँ, स्क्रीन कास्ट कैसे करते हैं। तो देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ बताया था, होम पे, होम बटन पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी आपको स्क्रीन कास्ट का ऑप्शन मिल जाता है, स्क्रीन शेयरिंग के नाम से होगा। ये देखिए स्क्रीन शेयर, अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए अब आपको क्या करना है, अपने फ़ोन के अंदर जाना है और जो फ़ोन एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर ऑप्शन होता है स्क्रीन कास्ट या फिर डुप्लीकेट स्क्रीन या शेयर स्क्रीन, इस तरह के फ़ोनों के अंदर ऑप्शन होते हैं, तो उस ऑप्शन को आपको ऑन करना है। जब आप उसे ऑन करेंगे तो वहाँ पे ये टीवी दिखाई देगा, जो आप इसका टीवी का नीचे टीवी नेम देख रहे हैं ये दिखाई देगा वहाँ पे, और आपका जो है स्क्रीन कास्ट चालू हो जाएगा। मैं आपको कनेक्ट करके दिखाता हूँ, इसको तो हम बंद कर देंगे, देखिए बैक करेंगे यहाँ पे, देखिए इसको यहाँ से जाके क्लोज कर देंगे हम। अब मैं आपको फोन पे ले चलता हूँ और दिखाता हूँ। तो अभी आप देख रहे हैं एक फ़ोन है, ये फ़ोन जो है हर फ़ोन के अंदर अलग अलग ऑप्शन होते हैं, तो ये वीवो का फ़ोन है और यहाँ पे आप देखेंगे कि इसके अंदर स्मार्ट मिररिंग, ठीक है, तो स्क्रीन कास्ट, शेयर स्क्रीन, मिरर स्क्रीन, स्मार्ट मिररिंग, इस तरह के ऑप्शन जो है मोबाइल में आते हैं जो कि टीवी को, टीवी की स्क्रीन से कनेक्ट हो जाते हैं। तो यहाँ स्मार्ट मिररिंग है, मैं इस पर क्लिक करूँगा, देखिए क्या होता है, यहाँ नीचे स्मार्ट मिररिंग ऑफ है, इसको ऑन कर देंगे। जैसे मैं इसको ऑन करूँगा तो देखिए यहाँ पे मेरा टीवी शो कर रहा है, LG वेब OS टीवी की जो भी है, इसको अगर मैं कनेक्ट करता हूँ तो देखिए मेरे टीवी में ओके मांगेगा। देख लीजिए आप, टीवी के अंदर ओके मांग रहा है। अब मैं यहाँ रिमोट से इसको ओके करूँगा, यस यस करूँगा, और मेरा टीवी जो है वो आप देखिए कनेक्ट हो चुका है। ये देखिए मेरे स्क्रीन पे वही है जो यहाँ सामने है, ये देखिए, ये देखिए, ठीक है, तो ये कनेक्ट हो चुका है मेरा फोन। इस तरह से आप कुछ भी चलाएंगे, जो फोन पे चलाएंगे वही टीवी पर चलेगा। अब दोस्तों एक इसके अंदर खास चीज और बताने वाला हूँ, कई बार आपका जो कुछ ऐप है वो काम नहीं करते हैं, और कई बार स्क्रीन मिरर या जो है स्क्रीन कास्ट जो होता है वो भी काम नहीं करता है, तो उस केस में क्या होता है, आपको चेक करना होता है कि आपका टीवी अप टू डेट है या नहीं है। अगर अप टू डेट नहीं है तो उसको अपडेट करना पड़ता है कुछ ऐप, तो वो बहुत आसान है। देखिए यहाँ पे ऑल सेटिंग में जाएंगे, ऑल सेटिंग में जा करके आपको अबाउट टीवी ढूंढना है कहीं पर भी आपके ऑप्शन में, तो यहाँ पर अबाउट टीवी जो है जनरल में मिल रहा है। जनरल में जब मैं जाता हूँ तो इसमें लैंग्वेज, लोकेशन, डेट एंड टाइम वगैरह वगैरह, और लास्ट में मिलता है अबाउट टीवी। ये देखिए ये है अबाउट टीवी मिलता है। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आपका टीवी जो है वो वाईफाई से कनेक्ट होना चाहिए, जैसे कि मैंने यहाँ वाईफाई से कनेक्ट किया हुआ है। अगर आपका टीवी वाईफाई से कनेक्ट नहीं है तो आप उसे पहले वाईफाई से कनेक्ट कर लीजिए, इस तरह से देखिए वाईफाई कनेक्टेड टू द इंटरनेट। अगर मैं इस पर ओके करता हूँ तो यहाँ पर दिखाएगा कि मेरा जो वाईफाई है वो कनेक्ट है वीवो के फ़ोन से, और इसको अगर हम बैक करते हैं एक बार तो वापस हम जनरल में जाते हैं। जनरल में जाने के बाद अबाउट टीवी में जाना है और चेक करना है कि आपका टीवी अपडेट मांग रहा है, अगर तो उसको अपडेट करना है। ये देखिए अबाउट टीवी में जाएंगे तो यहाँ पर क्या क्या ऑप्शन मिलता है, देखिए यहाँ पर आप टिक कर सकते हैं अलाउ ऑटोमेटिक अपडेट, यानी कि जब भी आपका फ़ोन मोबाइल जो आपका टीवी है जब भी इंटरनेट की रेंज में होगा, इंटरनेट कनेक्ट होगा, तो ये ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। आप चाहें तो इस पर टिक करके रख सकते हैं, मैंने टिक नहीं किया हुआ है, चेक फॉर अपडेट कर लेते हैं। देखिए यस, देखिए यहाँ अपडेट मांग रहा है, तो इसको अपडेट कर देते हैं, देखिए अपडेट हो रहा है। तो इस तरह से आपको चेक करना है कि आपकी टीवी में अगर अपडेट नहीं हुआ है तो आप उसको अपडेट कर लीजिए, क्योंकि अगर आप अपडेट नहीं करेंगे तो बहुत सारे जो है ऐप जो है उसके काम नहीं करेंगे, और ख़ास करके स्मार्ट टीवी जो होती है उनमें हमेशा आपको चेक करना होता है कि आपका टीवी अपडेट है या नहीं है। तो अभी अपडेट हो रहा है, तो आपने देख लिया कि किस तरह से टीवी को के ऐप को अपडेट किया जाता है।